बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। जनरल साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस बारे में लेकर। 60 बार तकरीबन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उल्लंघन हो चुका है। पिछले 10 दिन की बात हम लोग करते हैं, 8 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। सीमा पार की स्थितियां यह है कि लोगों को वहां से रिलोकेट करना पड़ रहा है। आखिरकार कब तक ये चीजें चलेंगी? भारत क्या कदम उठाए और कब उठाए? दो चीजें, आपका प्रश्न दो है मुख्तर से, आपका दो प्रश्न है जी, कब तक चलेगी और हमारे पास विकल्प क्या है जी। कब तक चलेगी का उत्तर है कि जब तक पाकिस्तान को इस विश्व के मैप से जब तक पूरी तरह हटा नहीं दिया जाएगा तब तक ये चलेगी। ये सच है। जो मौजूदा हरकत हो रही है, जो 60 बार जो सीज फायर वायोलेशन हुआ है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा या आतंकवादियों के द्वारा, उसका मुख्य कारण है, बौखलाहट का कारण है, तीन उसके बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि जनरल राहिल शरीफ 30 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, आज 2 नवंबर हो गया। ये खेल 28 दिन का है कि कितना दबाव डाला जा सकता है नवाज शरीफ पे ताकि उसको एक्सटेंशन मिले। दूसरा चीज है कि पाकिस्तान आर्मी और ISI का जो लॉस ऑफ फेस हुआ है, जो छवि में क्षति पहुंची है कि जो पाकिस्तान आर्मी अपने प्यारे आतंकवादियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, वो क्या पाकिस्तान को हिफाजत करेगा। तीसरा दृष्टिकोण ये है कि आतंकवादी वो अपना जो लॉस ऑफ फेस हुआ है कि उनके जो सर्जिकल जो उनके कैंप्स थे उनको जो डिस्ट्रक्शन, उनका जो बर्बादी हुआ है, वो ग्राउंड जो है रिक्लेम करना चाहते हैं और अपना TRP बढ़ाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान की राजनीति में वो रेलिवेंट है। तो ये सब मुद्दे हैं, यही कारण है कि ये जो तीव्र गति आ रही है क्रॉस बॉर्डर वायोलेशन में और सीज फायर वायोलेशन में, ये 30 नवंबर तक मेरा अनुमान है और गति इसकी बढ़ेगी और हमको तैयार होना है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो सर गतिविधियां हैं, जो परिस्थिति, जो समीकरण बने हुए हैं, वो हमारे मूव्स को नियंत्रित कर रहे हैं? देखिए, हमारे मूव्स को पाकिस्तान का एक्शन कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है। टाइटैनिक शिफ्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी में। जो पहले ये था कि हम सॉफ्ट स्टेट माने जाते थे, अब हम बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अब 1:3, 1:4 का रेशियो का खेल होगा। एक गोला चलाओगे तो मैं 4 गोला चलाऊंगा या 3 गोला चलाऊंगा। इसी तरह से यदि एक सर कटता है तो 4 सर काटना चाहिए हम लोग को। तो ये जो पॉलिसी आ रही है, ये शिफ्ट हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट किया जा रहा है, जो उसके पुराने सदाबहार दोस्त थे कुछ लोग सऊदी अरबिया इस तरह से, वो उसके कैंप से निकल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का आइसोलेशन जो है वो अहम है। तीसरी बात जो है, वाटर वॉर जो हम इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं और उस रास्ते में बढ़ रहे हैं कि पानी की लड़ाई, तो उस पर भी जो हम अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय है। और चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अब समझ गया है कि वो, पाकिस्तान कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं, तो जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है उससे पाकिस्तान को लगता है कि अब कोई भी चीज एक पॉसिबिलिटी है, हिंदुस्तान की तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो जब शंका हो जाए दुश्मन के कैंप में और वो हर एक पॉसिबिलिटी को वे करने की, ऐसा भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए अचीवमेंट है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है, तो 3 बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। पाकिस्तान एंगल, इंडिया एंगल और इंडिया का डिफेंस एंगल। हिंदुस्तान के 3,323 किलोमीटर को पूरी तरह से नॉन पोरस करने की जरूरत है। हम लोग को अपने जो बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं उनको पूरी तरह से न्यूक्लियर शील्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है, चाहे बारक मिसाइल हो, चाहे और भी कोई मिसाइल हो, और भी सिस्टम है, उसके मैं उल्लेख नहीं करना चाहता गोपनीयता पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सारांश यह है कि हम न्यूक्लियर शील्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है। और जो अभी हम ऑफेंसिव मोड में आए हैं कि 1:3, 1:4 रेशियो का जवाब हम देंगे, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के राष्ट्र के लेवल पर यदि बात करें तो FN1 स्टेटस पाकिस्तान को हटाने की जरूरत है, और उसको जो पाकिस्तान के जनरल्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस, उस बिजनेस इंटरेस्ट को हिट करने की जरूरत है जिस पे वो थ्राइव करते हैं और जिस पे वो आयाशी करते हैं और जो अमेरिका के फंड को मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं अपने आयाशी के लिए। और जरूरत पड़े तो यदि पॉलिटिकल लीडरशिप सोचते कि ये उपयुक्त है तो डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कीजिए और पाकिस्तान को पूरी तरह से आइसोलेट कीजिए। अब पाकिस्तान के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को चाहिए कि कन्विंस करे वर्ल्ड कम्युनिटी को कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है विश्व में वो विश्व शांति के लिए खतरा है, पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट है और पाकिस्तान का कंट्रोल आतंकवादियों के द्वारा चल रहा है। और इससे पूरे विश्व को न्यूक्लियर थ्रेट है, पूरे विश्व के शांति को न्यूक्लियर थ्रेट है। जब इस पैमाने से हम विश्व को कन्विंस करेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान और उथल पुथल होगा। ठीक है।